अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस, ये क्लास 10 और 11 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझिए, इसके फार्मूलों को समझिए। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद इन्फिनेटिव, और इम्परेटिव के अंदर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सेंटेंस के चेंज द वॉइस देखेंगे। इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है पिछले तरीकों से, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। सबसे पहली किस्म हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मतलब हुक्मिया जुमले। हुक्मिया जुमले या इसमें रिक्वेस्ट भी होता है, ऑर्डर भी होता है। इसका एक्टिव वॉइस जो आपको आता है वो इस तरह से आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको सेंटेंस आता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे सी अ बर्ड। सी अ बर्ड, परिंदा देखो, ये हुक्मिया जुमला है। वो आपको कह रहा है कि परिंदा देखो। अगर आपको इस तरह से वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस आए जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा उसे ध्यान में रखिए। इसका फॉर्मूला बनेगा लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेम निगेटिव के अंदर भी लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने सी अ बर्ड, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने लेट से जुमले की शुरुआत की है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है अ बर्ड, जो लास्ट में दिया हुआ है अ बर्ड। जैसे हम टेंसेस के दूसरे सेंटेंस में करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जैसे बाय हुम में सब्जेक्ट नहीं था, हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लेकर नहीं गए। तो यहां भी वो ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेट लिखे और ऑब्जेक्ट लिखे। ऑब्जेक्ट के बाद कह रहा है बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही। तो ये बना लेट अ बर्ड बी सीन। इस तरह से जो है आपको इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करना है। इस फॉर्मूले को आप जहन में रखिए, पहले आपको लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। अगर ये नॉट वाला आता, अगर ये नॉट वाला आता, डजंट सी अ बर्ड, तो हम इसको किस तरह से करते, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट और ये बी, इनके दरमियान में आपको नॉट लगा देना है। लेट अ बर्ड नॉट बी सीन, अगर निगेटिव आता है, डोंट से शुरू होता है, डजंट से शुरू होता है, डिडंट से शुरू होता है, तो आपको नॉट लगाना है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें आता है एडवाइस, मतलब किसी को मशवरा देना। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब रेस्पेक्ट मतलब इज्जत करो, यह आपसे को एडवाइस दे रहा है, आपको मशवरा दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है कि अपने बड़ों की इज्जत करो। अब अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो इसे किस तरह से चेंज करेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी और उसके बाद में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एडवाइस का फॉर्मूला याद रखिए, पैसिव वॉइस का, कि अगर आपको एडवाइस आती है, रेस्पेक्ट करो, या आपसे जो है तो आपको सलाह या मशवरा दिया जा रहा है, जैसे हेल्प करो या फिर लव करो, तो इस तरह से अगर आपको एडवाइस दी जा रही है तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट, इसमें शुड आएगा, बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है योर एल्डर, हम इसको इससे स्टार्ट करेंगे, योर एल्डर्स, फिर क्या कह रहा है शुड। इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे इज आया तो इज बीइंग, वाज आया तो वाज, नहीं, इसमें आपको सिर्फ शुड बी, यही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है एडवाइस के सेंटेंस में।
एडवाइस का अगर आपको सेंटेंस आता है तो उसमें सिर्फ आपको शुड और बी का इस्तेमाल करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बी रेस्पेक्टेड, इस तरह से योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। तो इस तरह से जो है आपको अगर एडवाइस का सेंटेंस आता है तो एडवाइस के सेंटेंस में आपको इस तरह से करना है, पहले जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो वर्ब के बाद आएगा, जैसे इंपरेटिव में आया था सेम उसी तरह से उस ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लिखना है, ये आपने ऑब्जेक्ट लिखे, फिर उसके बाद शुड बी का इस्तेमाल करना है, ये कंपलसरी है, यही हेल्पिंग वर्ब आपको रखना है एडवाइस के अंदर, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कंपलसरी है पैसिव वॉइस के लिए, इस तरह से जो है आपको इसका चेंज करना है। और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नेगेटिव में सिर्फ इतना चेंज है कि आपको शुड और बी दोनों के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना है, शुड और बी इन दोनों के दरमियान में आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, मतलब यूअर एल्डर्स शुड नॉट बी डिसरेस्पेक्टेड, यानी आपने एल्डर्स की जो है आप बेइज्जती मत कीजिए। तो आपको अगर नेगेटिव का सेंटेंस आता है तो शुड और बी दोनों के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना है, ये हो गया एडवाइस। चलिए बताइए जल्दी आगे आपके ये एडवाइस भी समझ में। अगर आपको रिक्वेस्ट आती है जिसके अंदर रिक्वेस्ट या फिर काइंडली, ये वर्ड आते हैं रिक्वेस्ट और काइंडली, अगर आपको एक्टिवाइज के जुमले में ये वर्ड आते हैं तो इसको किस तरह से चेंज करना, हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे टेक योर बुक प्लीज, प्लीज या काइंडली, ये दो वर्ड का इस्तेमाल होगा, प्लीज या काइंडली सेंटेंस के अंदर आएंगे, प्लीज आएगा या काइंडली आएगा, जैसे यहां पर प्लीज आ गया समझो रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस आता है तो इसका फॉर्मूला थोड़ा हटके है, कैसे हटके है, इसकी शुरुआत आपको करना है यू आर, यू कैपिटल लिखिए, रिक्वेस्टेड प्लस, देखिए अब जुमले की शुरुआत कैसे करना है, आपको कोई भी आए प्लीज वाला काइंडली वाला कोई भी सेंटेंस आए तो यू आर रिक्वेस्टेड इससे आपको जुमले की शुरुआत करना है, फिर उसके बाद टू लगाना है और उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म, टू आ गया इसलिए वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा। अब ये ऐसा पैसिव वॉइस है जिसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि इंफिनिटिव का इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना है, जब टू का इस्तेमाल होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इस बात को आप जहन नशीद रखिए। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, You are requested to, verb का first form object. अब यहां पर जो object आ रहा है अब शुरुआत में नहीं आ रहा है, object last में अपनी जगह पर ही रह रहा है, एक ये भी change है request के अंदर, ये बहुत important है, ये खास तौर पे आपको 11th 12th में या फिर आप जो competitive exams देंगे जैसे DEd के लिए BEd के लिए या दूसरी चीजों के लिए या MPSC या पुलिस बैंकिंग वगैरह के अंदर इस तरह के सेंटेंस आपको वॉइस के पूछे जाते हैं, तो मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका वॉइस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आ रहा है आखिर में आ रहा है, अपनी ही जगह पर आ रहा है। अब अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करें तो यू आर रिक्वेस्टेड इससे ही आपको शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, अब उसके बाद क्या कह रहा है टू, उसके बाद क्या कह रहा है वर्ब, वर्ब क्या है, जुमले की शुरुआत वर्ब से होगी, जुमले की शुरुआत वर्ब से होगी, इंपेरेटिव की एक किस्म है, ऑर्डर रिक्वेस्ट ये उसी की एक किस्म है, तो ये वर्ब है टेक, पहला फॉर्म ऑलरेडी है इसलिए पहले ही फॉर्म रहेगा टू टेक, ये हो गया, और ऑब्जेक्ट यूअर बुक, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है अपनी ही जगह पर, चेंज नहीं हो रहा है, टू टेक यूअर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड इससे जुमले की शुरुआत करना है, प्लीज आए काइंडली आए वो आपको यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू इंफिनिटिव हो जाता है जब उसका इंफिनिटिव में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, इसे जहन में रखिए कि इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, अपनी ही जगह पर रहेगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर बुक, और अगर इसका निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव का इस्तेमाल कहां करना है आपको, ये दोनों के दरमियान में,
यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू. अगर नेगेटिव बनाना है तो कहां आएगा, रिक्वेस्टेड और टू के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव के सेंटेंस में. तो ये हो गया रिक्वेस्ट. चलिए फास्ट बताइए, फिर हम ऑर्डर वाला देखते हैं. ऑर्डर, अब ऑर्डर के अंदर फर्स्ट करो, आपको सेंटेंस आया रन एज फास्ट एज यू कैन. दौड़ो जितना तेज तुम दौड़ सकते हो, वो तुमको ऑर्डर दे रहा है. सॉल्व दिस होमवर्क, ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है. ईट दिस मैंगो, आपकी मॉम आपको ऑर्डर दे रही है. तो इस तरह से शुरू वर्ब से ही होगा. अगर ऑर्डर आता है तो अब यहां पर आपको जुमले की शुरुआत कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा. यू कैपिटल, यू आर ऑर्डर. अब यहां इससे पहले हमने यू आर रिक्वेस्टेड किए थे, अब इसके अंदर आपको यू आर ऑर्डर, बाकी पूरा सेम उसकी तरह. टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी जो हमने इससे पहले रिक्वेस्टेड का किए बिल्कुल सेम वैसा ही, सिर्फ इतना है कि उसमें यू आर रिक्वेस्टेड आएगा और इसमें यू आर ऑर्डर्ड आएगा. अगर ऑर्डर वाला जुमला आता है जिससे ये जाहिर होता है कि वो ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको हुक्म दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड. और अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड. अब इसको चेंज करेंगे इस सेंटेंस को. तो सबसे पहले जुमले की शुरुआत यू आर ऑर्डर्ड, फिर क्या कह रहा है टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है रन, और फिर यू आर ऑर्डर्ड टू रन. अब एज फास्ट एज यू कैन, एज फास्ट ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करना है. इसको सेम टू सेम एज फास्ट एज यू कैन, ऐसे समझिए पूरा आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो ये कह रहा है यू आर ऑर्डर टू रन. अब बाकी बचा हुआ पूरा जैसा का वैसा, एज फास्ट एज यू कैन. इस तरह से अगर आपको ऑर्डर का सेंटेंस आए तो आपको इस तरह साउंड करना है. सिर्फ इन फॉर्मूले को आप जहन में रखिए कि पहले क्या आएगा, यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्ट, फिर टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर वर्ब के बाद में जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा आप लिख दिए. अब जैसे वर्ब हमने लिख दिए, इसके बाद ये पूरा का पूरा हमने यहां पर लिख दिए इस तरह से. और अगर नॉट वाला आए तो सेम वैसे ही ऑर्डर और टू के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल कर देना है. यू आर ऑर्डर नॉट टू रन एज फास्ट एज यू कैन, इस तरह से. अगर नॉट वाला सेंटेंस आया जैसे डोंट रन फास्ट, इस तरह से डिडंट डजंट, तो इस तरह से आपको नॉट का इस्तेमाल कहां करना है, ऑर्डर और टू के दरमियान में, या रिक्वेस्ट और टू के दरमियान में. ये हो गया इंपरेटिव के पूरी किस्में, जिसमें हमने एडवाइस, उसके बाद रिक्वेस्ट और उसके बाद ऑर्डर, ये सारी चीजें देखे हैं. अब इसे ये आपके समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम लास्ट इंफिनिटिव देखते हैं. अब इंफिनिटिव, अगर आपको इंफिनिटिव का जुमला आए, इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब का इसका सेंटेंस. जैसे एक सेंटेंस हम बना के देखते हैं, आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर. तो इसका पैसिव किस तरह से बनेगा, इसका पैसिव किस तरह से बनेगा, इन्फिनेटिव के अंदर पैसिव किस तरह से बनेगा. अब इसमें हमारा पुराना तरीका ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको टू लगाना है, टू के साथ बी लगाना है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, उसके बाद बाय लगाना है सब्जेक्ट. ये हमारे पुराने तरीके पर लौट आया है, सिर्फ इतना है कि टू बी ये बढ़ गया है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, इसलिए टू के साथ में बी का फॉर्म लगाया जाता है, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म. मतलब ये सेंटेंस को हमको चेंज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनिटिव, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, अ लेटर.
हेल्पिंग वर्ब हैव दिया हुआ है, हैव टू बी रिटन बाय, अब ये सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह मी, इस तरह से। अब देखिए यहां पर जो हमेशा हमसे मिस्टेक होती है, जो मैंने भी अभी किया हूं जानबूझकर, यहां ये हैव है। अब हम अक्सर क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वैसे रहा लिखने का सेम, तो हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, लेकिन मैंने बारह आपको समझाया हूं कि हमें नाउन पर ध्यान देना है और नाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अ लेटर जो है इसके साथ में हैव नहीं आता है, गायब है, इसके साथ में हैज आता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आई था, आई के साथ हैव आया था, यहाँ अ लेटर है, इसके साथ में हैज आएगा। तो ऐसी हमारी छोटी मिस्टेक होती है। तो अक्सर मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट की जगह आ रहा है उसको नाउन को या प्रोनाउन को देखिए और उसके हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ आई के साथ में एम होता तो आप आ लेटर के साथ में भी एम लिख देते हो, नहीं, अब यहाँ वो आई था इसलिए एम हुआ था, अब यहाँ आ लेटर आ गया, लेटर के साथ में एम नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ आई के साथ आता है, वो इज आएगा, इस तरह।